मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल की जयंती पर उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ में पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल की जयंती पर उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान कांग्रेस नेता आनंद तारण ने बताया कि राजधानी भोपाल में जितनी भी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमाएं हैं, सभी प्रतिमाओं पर हमने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया है। चंद्रशेखर आजाद जी की बलिदान दिवस पर हम सब कांग्रेस जन उन्हें नमन करते हैं। आज जहाँ जहाँ भी उनकी मूर्ति है वहाँ सब कांग्रेस जनों गए और वहाँ पर उन्हें पुष्पांजलि करी, चाहे आजाद मार्केट हो, चाहे न्यू मार्केट हो, चाहे हमारा लिंक रोड नंबर 2 हो, वहाँ पर हमने मूर्ति पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि करी। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण जी शुक्ल के जयंती पर भी हम सब कांग्रेस जनों ने उन्हें नमन किया। निश्चित रूप से आज़ादी की बात करें हम तो चंद्रशेखर आज़ाद जो क्रांतिकारी राजनेता रहे हैं, क्रांतिकारी नेता, उन्हें नहीं पता था कि हम जो त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, उसका क्या निर्णय होगा, उसका क्या हश्र होगा या उसका क्या सबब मिलेगा देश को। लेकिन आज जो 75 साल के बाद जो स्थिति आज देश में निर्मित हुई है वो निश्चित रूप से भयावह है। हम सब देशवासियों को इस बात पर गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। हमें उन सब बातों में नहीं आना जो तो आना है, जो देश को तोड़ने वाली है, जो समाज में विखंडन करने वाली हो, उन सब चीज़ों से, उन सब लोगों से हमें सचेत रहना है। यही आदरणीय चंद्रशेखर जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अपनी ओर से और संपूर्ण कांग्रेस परिवार की ओर से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।